आज हमने जिला मुख्यालय के ऊपर पुरानी पेंसिल के लिए ज्ञापन दिया है और आपको विदित है कि फरवरी के अंदर पंचकुला में प्रदर्शन हुआ था और वहाँ पर कर्मचारियों के साथ बड़ी प्रबलता हुई थी। आनंद फानंद में सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसकी दो मीटिंगें तो हुई, उसके बाद में कोई मीटिंग नहीं हुई और वो कमेटी मृतप्राय घोषित हो गई। पूरे देश में इस प्रदर्शन का जो था उसकी निंदा हो रही थी। पूरे देश के अंदर आज मुख्यालयों के ऊपर धरना प्रदर्शन रोष मार्च इत्यादि का आयोजन किया गया। इसी संदर्भ में भिवाणी के अंदर भी आयोजन हुआ और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन की मांग है वो यथाशीघ्र मान ली जाए, वरना हम 11 जून से पूरे हरियाणा के अंदर पैदल यात्रा भी करेंगे पुरानी पेंशन के लिए और वोट फॉर ओपीएस के लिए कर्मचारी काम करेगा जिसने पहले भी हिमाचल प्रदेश में वोट फॉर ओपीएस का पीछे दिया था और अब कर्नाटक के अंदर भी वो वोट फॉर ओपीएस का पीछे देने जा रही है। हरियाणा सरकार चेते अभी पाड़े उसके पाड़े में गेंद है और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर अंजाम उठाने के लिए सरकार तैयार है।